एवरीवन, माय सेल्फ सैन कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरके इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, क्लास डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, एंड टॉपिक इज लेप्रोसी डिजीज या हैंसन डिजीज। लेप्रोसी क्या डिजीज क्या होता है, हैंसन या हैंसन डिजीज क्या होता है, इसे हम हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। ये एक संक्रमणीय रोग है जो कि छुआछूत से, मतलब एक किसी रोगी के संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति के आने से उसको भी हो जाता है, या इंसेक्ट द्वारा भी यह फैल जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्किन के ऊपर बड़े बड़े पौ धब्बे बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उससे पस निकलने लगता है, और इसमें बहुत दर्द होता है, और क्या होता है कि जो नर्वस होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, और मसल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गल जाते हैं, जिससे पूरी शरीर इससे इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, चलिए हम इसको इस डिफिनेशन के माध्यम से, इसके क्या होते हैं, ये कितने टाइप का होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह स्प्रेड होता है, और सिम्टम क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, क्या क्या इसको प्रिकॉशन करना चाहिए, किसे कंट्रोल होगा, किससे हम इसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेप्रोसी या हैंसन डिजीज इज ए कंटाजीनियस डिजीज कैरेक्टराइज बाय पेनफुल वाइट पैचेज ऑन द डर्मिस एंड इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग नेक्रोसिस ऑफ नर्वस एंड मसल्स। मतलब इसमें क्या होता है कि ये एक संक्रमणीय रोग है, महामारी है। ठीक है, ये क्या होता है, ये शरीर के ऊपरी परत, ऊपरी हिस्से में, यानी स्किन पर, जैसा देखा है डर्मिस, ऊपरी परत पे एक धब्बे बन जाते हैं, उसमें से कुछ सिक्रीट होने लगता है, और वो कैसा, वो उस पर दर्द होता है, जिस काफ़ी दर्द होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, नर्वस एंड मसल्स, जो नर्वस सिस्टम होता है, मसल्स हो जाता है, वो क्या होता है, नेक्रोसिस यानी गल जाते हैं, पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि शरीर की सभी सूचना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, यह दो टाइप का होता है, लेप्रोसी इज टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, लेप्रोमाइट लेप्रोसी एंड ट्यूबर कोलाइट लेप्रोसी, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कॉजेटिव एजेंट की। कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई। जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोई। ठीक है, और क्या है, यह क्या करता है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड दीज बैक्टीरिया। यह क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इस बैक्टीरिया से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है, थोड़ा सा हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दें कि जो हमारी सूचनाएं बाहरी आवरण, मतलब बाहर से चार शरीर के चारों तरफ की जो भी सूचनाएं होती है, जो भी फीलिंग होती है स्किन में छूने से या उससे जो भी महसूस होता है, ये पूरे शरीर की, मतलब ये परिधीय नर्वस सिस्टम कहा गया है, इसे तंत्रिका तंत्र कहा गया है, ये सारी सूचनाओं को ले जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रांसफर करती हैं, इसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा गया है, बहुत सारे आपने बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से फैलता है। देयर वाज अ कॉमन बिलीव दैट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज टेक्स प्लेस व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम इन कांटेक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। मतलब कि इसमें क्या होता है, यह बहुत कॉमन होता है, डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कैसे कि यदि कोई इससे लेप्रोसी डिजीज से अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, मरीज है उसका,
तो उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ गया तो उसके कांटेक्ट में आने से क्या होगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो भी उस रोग से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज ट्रांसमिटेड बाई रिस्पायरेटरी रूट एंड इट इंसेक्ट्स। ठीक है, एक और है कि अगर उसके पास बैठते हैं या उसके आसपास जाते हैं, नज़दीक पहुंचते हैं, तो उसके रिस्पायरेटरी मतलब सांस द्वारा भी यह रोग फैलता है। और कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे कि मक्खी हो गई या और भी चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं कि उनके जगह बैठ के आपके स्किन पे आएंगे, इस तरह से भी ये ट्रांसफ़र होता है, इससे भी बचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम सिम्टम की बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ हाइपोपिगमेंट स्पॉट ऑन द स्किन एंड अदर मसल्स बोन्स आइज टेस्टिस एक्सेट्रा। ये स्पॉट जो होते हैं ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मसल्स पे हो सकते हैं, बोन्स पे हो सकते हैं, आई पे हो सकते हैं और टेस्टिस पर, मतलब ये स्पॉट कहीं भी है, जरूरी नहीं है कि यही बस ऊपरी ही है, बोन्स के अंदर भी हो सकते हैं, किसी भी जगह बॉडी के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, द नर्वस गेट थिकन, थर्ड क्या है, मतलब क्या होता है, नर्वस गेट थिकन, थिकन मतलब नर्वस सिस्टम क्या होता है, कठोर हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ डिजिट आइदर इन द हैंड्स आर फिट, मतलब हाथ और पैर की अंगुलियां क्या होती हैं, गल जाती हैं, इससे गल सकती है, मतलब इस रोग से गल जाती हैं, कुल मिला के गल जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, अगर ज़्यादा हो गया, जैसे हाथ में हो गया, इधर हो गया, पैर में हो गया, तो सारी अंगुलियां इस रोग से, कुष्ठ रोग से ये गल जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन, चलिए प्रिवेंशन के बारे में देखते हैं। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड हेल्दी पर्सन, मतलब कि पेशेंट जो इससे सफ़र कर रहा है उस और हेल्दी पर्सन को एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आप केयरफुल हों, उस पर ध्यान दें, अगले व्यक्ति को साफ सफाई से रखें, ठीक है, और उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दें, हो सके तो हॉस्पिटलाइज कर दें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे ये डिजीज फैलने में जल्दी से नहीं फैलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी ट्रीटेड विद डेप्सोन, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ दवा हैं, ड्रग्स हैं जिसको देने, जिसको इस डिजीज में दिया जाता है, जो क्या है, डेप्सोन है, जिसे डीडीएस के नाम से भी जानते हैं, रिफम्पिसिन है, क्लोफाजमाइन है और माइक्रोलाइट्स हैं, ये जो हैं मेडिसिन है, ये इस डिजीज में दी जाती है। आशा है कि वीडियो मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ, आई होप आप लोग इससे देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।